राहुल गांधी बोले, बीजेपी के झूठ में नहीं आना, पकड़ा गया संदेश खाली का झूठ। संदेश खाली की पीड़िता बोली, हमारे साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, हमने झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता का कहना है कि भाजपा नेता ने हमारी इज्जत को सारे बाजार नीलाम कर दिया। मामले में कुल 3 पीड़िताएं थी, इनमें से अब 2 ने कहा कि दुष्कर्म वाली बात झूठी थी, भाजपा नेता ने ऐसा कहने को कहा था। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत GST लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। क्या भारतीय जनता पार्टी की किसी भी चीज पर विश्वास किया जा सकता है? राहुल गांधी के बारे में झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो, और अब संदेश खाली के बारे में भी झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो। खबर बहुत शॉकिंग है दोस्तों। संदेश खाली में जिन औरतों ने पहले आकर यह कहा था कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, अब वो सामने आई हैं और NDTV की इस खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम पर कोरे कागज पर दस्तखत कराए गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने हम पर दबाव बनाया था कि हम ये कहें कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ था। याद कीजिए दोस्तों, जब ये मामला सामने आया था, पूरा गोदी मीडिया रोज इस पर कार्यक्रम किया करता था। आधा महीने से ज्यादा तक संदेश खाली पर कार्यक्रम किए गए थे, मैंने भी किया था। और मैं आपको बताता हूं मैंने क्यों किया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्ष दल बीजेपी एक बहुत बड़ा आरोप लगा रही थी औरतों के साथ ज्यादती को लेकर। उसके अलावा ममता बैनर्जी सरकार ने शेख शाहजहां के आसपास कई लोगों को गिरफ्तार किया था, बाद में शेख शाहजहां को भी गिरफ्तार किया था, तो ममता बैनर्जी सरकार ने भी एक्शन लिया था। मगर भारतीय जनता पार्टी लगातार यह कह रही थी कि दुष्कर्म हुआ है, रेप हुआ है, ये तमाम चीजें कह रही थी। इनफैक्ट मुझे यह भी याद है कि जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन संदेश खाली गई थी तो उनका शुरुआती बयान यही था कि रेप नहीं हुआ है। और अब ये औरतें सामने आ गई हैं दोस्तों, और उन्होंने कहा है कि हमें बीजेपी ने बरगलाया था, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमसे कोरे कागज पर दस्तखत कराए गए थे। मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हैं, आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई हो सकता है कि इन औरतों पर दबाव बनाया गया हो, क्योंकि उन्हें रहना पश्चिम बंगाल में, उन्हें रहना ममता बैनर्जी के शासन में है, लिहाजा हो सकता है कि दबाव में उन्होंने ऐसा कह दिया हो। मगर अगर तो बात यहां तक सीमित होती तो समझ आती ना। आपको याद है कुछ ही दिनों पहले एक स्टिंग ऑपरेशन आया था जिसमें जो स्थानीय भाजपा का नेता है वो खुद हंसते हुए कह रहा था कि हमने इस पूरे मामले का एक भौकाल बनाया था, हमने झूठ कहा था। ये भारतीय जनता पार्टी का एक नेता स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था दोस्तों। यह बात अलग है, जब वो पकड़ा गया उसके बाद वो सामने आया और उसने ये कहा कि नहीं नहीं, वो मेरी आवाज ही नहीं थी। कटघरे में यह व्यक्ति था, सुवेंदु अधिकारी, भाजपा के सबसे बड़े नेता पश्चिम बंगाल में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कुछ देर के लिए मैं मान लूं कि उन औरतों पर दबाव बनाया गया, मैं यह भी मान लूं कि स्टिंग ऑपरेशन जिसमें बीजेपी बुरी तरह से एक्सपोज हो गई थी यह भी झूठा है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं उस स्टिंग ऑपरेशन की जांच क्यों नहीं हो रही? आपको याद है दोस्तों एक और स्टिंग ऑपरेशन आया था, नरेंद्र तोमर के जो बेटे थे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे एक स्टिंग ऑपरेशन में देखे गए थे जहां करोड़ों के लेन देन की बात हो रही थी और यह लेन देन शायद नरेंद्र तोमर के घर से हो रही थी। उस वक्त कहा गया था नहीं नहीं नहीं, इस वीडियो में मैं नहीं हूं, ये फेक है, ये फर्जी है। वो दिन है और आज का दिन है, वो स्टिंग ऑपरेशन, वो वीडियो फर्जी है, असली है, क्या उसकी जांच हुई? और जाहिर सी बात है सरकार बीजेपी की है तो जांच भी वही कराएंगे। कोई जांच नहीं हुई दोस्तों, वो मामला भूल गए।
अब मैं एक चुनौती देता हूं, ये जो संदेश खाली का वीडियो आया है, ये जो स्टिंग ऑपरेशन आया है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी सत्यता की जांच करवाएगी? 10 दिन लगेंगे, 1 महीने से कम बचा हुआ है 4 जून को। भेजिए तुरंत इसे फॉरेंसिक लैब और जांच करवाइए। दूध का दूध और पानी का पानी अगले 10 दिन में हो जाएगा। मगर बीजेपी कराएगी नहीं, क्योंकि बीजेपी भी हकीकत जानती है। मैं नहीं भूला हूं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृहमंत्री अमित शाह हो, संदेश खाली पर इन्होंने कई इंटरव्यूज में अपनी बात रखी, तमाम सभाओं में प्रधानमंत्री लगातार बात कहते रहे, मगर आपका सिर्फ एक लक्ष्य था, अर्ध सत्य के सहारे, झूठ के सहारे ममता बैनर्जी पर निशाना साधना, वो ममता बैनर्जी जो अब इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर गई है, पदयात्रा कर रही है, बता रही है कि किस तरह से भाजपा ने झूठ के सहारे पश्चिम बंगाल को बदनाम किया, उन्हें बदनाम किया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर औरतों के साथ कोई नाइंसाफी होगी तो मैं अभिसार शर्मा उसे अपने मंच पर उठाऊंगा। याद कीजिए, संदेश खाली का मुद्दा मैंने उठाया था ना, कितने लोगों ने संदेश खाली का मुद्दा उठाया था। मगर अब हकीकत आपके सामने आ रही है, और यह हकीकत भी आपके सामने लाने की जरूरत है। सवाल यह कि भारतीय जनता पार्टी बार बार अलग अलग मुद्दों पर इस तरह से झूठ बोलते क्यों पकड़ी जाती है? कई मुद्दों पर हमारी तमाम माहिती थी, अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो SNI News साथे।